बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू लेक्चर के हवाले से मैं मोहम्मद ज़िया रसूल आप सब बच्चों से मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं आप बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बग़ैर मेहनत के, बग़ैर पेपर देने के हुकूमत ने आपको अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया। आपको मुबारकबाद। तो आज से हम बच्चे साल दोम का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। अपने वक्त को कीमती बनाएं और जो है वो अब पढ़ाई की तरफ जो है वो तवज्जो शुरू कर दें। तो बेटा सबसे पहले जो है वो आज मैं आपको साले दो का पेपर पैटर्न और नंबरों की तकसीम बताऊंगा, क्योंकि नंबर पेपर पैटर्न का पता चल जाए तो आधी तैयारी तो बच्चे की तब ही हो जाती है, आधा पेपर तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाता है कि मेरे पेपर के अंदर जो है वो इतने नंबर के सवाल हैं और ये सवाल आएगा, तो एक तरह से वो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाता है। तो आज हम पेपर पैटर्न के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, 100 नंबर का बच्चे आपका ये पेपर है, जैसे साले अव्वल में 100 नंबर का था, लेकिन कुछ चीज़ों में जो है वो फ़र्क है। साले दो में कुछ चीज़ें जो है वो तब्दील होंगी, अब हिस्सा मरूजी में भी और हिस्सा इंशाई में। सबसे पहले हिस्सा मरूजी, उसमें कसीर और इंतखाबी सवालात MCQs आते हैं बच्चे। तो 20 नंबर का ये सवाल होता है, उसमें से 5 नंबर जो है वो आपके असबाब, 5 नंबर के जो MCQs बनेंगे वो आपके असबाब में से बनेंगे। 5 नंबर के फिर MCQs बचे, ग्रामर का हिस्सा इसमें शामिल है, रमूज़ ओकाफ आप पढ़ेंगे। 5 नंबर के बच्चे इमदादी अफ़आल आप पढ़ेंगे और 5 नंबर मुताबकत हरूफ पढ़ेंगे। तो इस तरह हिस्सा मरूजी जो है वो आपका ये 20 नंबर का मुकम्मल हुआ। तो आपने देखा कि ग्रामर का हिस्सा जो है वो तब्दील हो गया है। आपने साले अव्वल में जो है वो अदबी इस्तलाहात, शेरी इस्तलाहात और तस्कीर व तानीस पढ़ी थी, लेकिन इस दफ़ा आपको रमूज़ औक़ाफ़, इमदादी अफ़आल और मुताबकत हरूफ पढ़ना पड़ेगा। हिस्सा इंशाई की तरफ आए बच्चे, जो 80 नंबर का सवाल है, उसमें सबसे पहले हिस्सा नज़म बच्चे 10 नंबर का सवाल है आपका। उसके नंबरों की तकसीम क्या है? एक नंबर जो है वह नज़म के उनवान का, एक नंबर शायर का, और 3 शेर आएंगे जिसमें से आपने 2 गंदे हैं, 4 नंबर के शेरों की वो तशरीह होगी। इस तरह ये 10 नंबर का हिस्सा गजल जो है बच्चे, 4 शेर आएंगे जिसमें से 3 गंदे हैं, 1 नंबर शायर का और 3 नंबर जो है वो तीनों शेरों की तशरीह के। इस तरह जो है वो बेटा 10 नंबर बन गए, हिस्सा नज़म के भी 10 नंबर, हिस्सा गजल के भी 10 नंबर। उसके बाद बच्चे अगला सवाल है पैराग्राफ की तशरीह, सियाको सबाक के हवाले से, जिस तरह आपने साले अव्वल में सवाल किया, सियाको सबाक के हवाले से हवाला मतन भी लिखना है और पैराग्राफ की तशरीह करनी है। 2 नंबर हवाला मतन के, 3 नंबर सियाको सबाक के और 10 नंबर तशरीह के। तो इस तरह इसके कुल नंबर 15। उसके बाद बच्चे आपके निसाब में से 2 असबाक का खुलासा, 2 सबक दिए जाएंगे जिसमें से आपने एक का खुलासा लिखना है, और ये भी सवाल जो है वो 10 नंबर का है, 1 नंबर मुसन्निफ का होता है और 9 नंबर खुलासे के होते हैं। उसके बाद बचे 5 नंबर का नज़म का खुलासा। अच्छा, फिर आपका ग्रामर थोड़ी सी और इसमें तब्दील हुई है, उसमें आपने मुकालमा, रोज़नामचा, रुदाद और ये चीज दरख्वास्त की थी, लेकिन अब बड़ा ही इंतहाई अहम सवाल, सबसे ज़्यादा नंबर का सवाल है और इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, और वो मज़मून नवीसी का है जो इसमें 20 नंबर का सवाल है बच्चे। उसके बाद खत है या आप बीती है, ये भी 10 नंबर का सवाल है। इस तरह बेटा ये पेपर जो है आपका साले दोम का वो 100 नंबर का है, और नंबरों की तकसीम मैंने आपको बता दी है। तो अब इंशाल्लाह हम कल से जो है वो बाकायदा आपकी जो निसाब है वो किताब, उसको हम शुरू करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह।